उसका गोल होता है, प्लेयर्स रिस्पॉन होकर वापस भी आते हैं। 1-4-1 वर्सेस ऑक्सी। चैट के अंदर कोई कह रहा था कि ऑक्सी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जी बिल्कुल, अभी देखते हैं कि ऑक्सी किस तरह से खेलती है, फिर उनको हम अप्रिशिएट भी जरूर करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर हंटर ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए आगे जा रहे हैं। पहला पॉइंट अभी के लिए 1-4-1 एक्स पब्लू अपने लिए कंफर्म करती है, दूसरा भी। बिल्कुल जी, दो पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जा चुके हैं। ये ग्रोजा लेकर आएंगे फेम्स, और फेम्स की तरफ से स्कोपिन करके किल्स निकाले जा रहे हैं। ग्रोजा उठाई गई है, सो एक डेडली वेपन जरूर है, लेकिन देखते हैं कि ओपोनेंट्स के पास कौन कौन से वेपन्स मौजूद है। यहाँ पे शॉटगन्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो कि बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं। सो AKM यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है राफे की तरफ से, राफे काफ़ी लो ऑन HP भी हो जाएंगे फिलहाल के लिए। अभी जो आगाज़ है वो ऐसा है कि एक मिनट का खेल हो चुका है और अभी ज़्यादा कुछ लीड नहीं लेके गई कोई भी टीम। 4-3 का एक सिलसिला चल रहा है, 4-4 पे तब्दील किया जाएगा, जो कि बेहतर है। मैं ऐसा ही मैच देखना चाहता हूँ, स्टेडियम जब भी हो मेरी ख्वाहिश होती है कि स्कोर्स नेक टू नेक ही रहें, बट अभी टू अर्ली टू डिसाइड कि कहाँ कौन लीड लेकर जाएगा। पहली लीड जिसने बना लिया होगी उसको बड़ा फायदा हो सकता है। ऑक्सी एक कन्फर्म करेंगे, प्रॉपर कॉल आउट पे है ये गेम, यहाँ प्लेयर मौजूद है। हाँ सौ टच कुछ हो, ये कॉल आउट पे है सारा का सारा गेम, और फिर इसके अंदर इंडिविजुअल आपकी स्किल्स भी बड़ी टेस्ट होती है, 1v1s भी काफ़ी टेस्ट होते हैं, और सनर्जी इतनी नहीं मैटर करती, बट 1v1s हैं और कॉल आउट्स हैं। आप कॉल आउट दें प्लेयर को, बोलेंगे हाँ से एक ही गेम में दो प्लेयर्स फिनिश किए जाते हैं। ग्रोजा सुप्रीमेसी दिखाई जा रही है उनकी तरफ से, तीसरा प्लेयर भी डाउन। इंडिविजुअल स्किल्स की बात कर रहे थे, इज इट गोना बी एन एस, होते होते रह जाता है। चार प्लेयर्स एलिमिनेट कर सकते थे, 3 किए गए, चौथा नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली जी। और ऑक्सी वो काफी अच्छे तरीके से कमबैक कर पाई है अभी तक के लिए, 3 पॉइंट्स की लीड पर भी हमें खेलती दिखाई दे रही है। ब्लूइश में जो टीम है वो टीम ऑक्सी है, सामने रेड बे टीम 1-4-1x बब्लू के खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सी के प्लेयर्स ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा रिलाय ग्रोजा पर करते हुए, लेकिन फ्री फायर में आ जाएंगे और इजाफा 2 पॉइंट्स का टीम 1-4-1x बब्लू करती है अपने लिए। ऑक्सी के प्लेयर को पकड़ा जाता है, फॉर्मेशन को चेंज करना बहुत जरूरी है, अगर आप एक ही साइड से आते रहेंगे बार बार तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और ये टीमें अभी तक के लिए एक दूसरे के शाना बशाना 11-11 पॉइंट्स पर खेलती देखने को मिल रही हैं, लेकिन 30 के बाद असल मजा आएगा। 7 मिनट है अभी, 40 का गोल है, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के सामने हैं। 1-4-1 के प्लेयर ग्रेनेड अच्छे खासे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 13-13 पर दोनों ही टीमें साथ ही साथ पॉइंट स्कोरिंग करते हुए। जी हाँ, 13-14 किया जाता है। ऑक्सी अभी तक जितनी भी लीड्स हमने देखी हैं उसमें ऑक्सी को ही हमेशा हम बर्तरी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और अभी बबलू की तरफ से बराबर किया जा चुका है। बबलू हमें पता है कि उनके पास क्लोज इनकाउंटर बीच मौजूद है, लेकिन वहीं पर ये मौका है कि ऑक्सी भी एक कह सकते हैं डिफेक्शन करे अपने गन गेम प्ले की, अपनी गन पार्ट। हमने ऑक्सी में काफ़ी प्लेयर्स को पहले खेलते हुए देखा है, ऑक्सी के प्लेयर्स जिस तरह से ऐश हैं उनको हमने पहले खेलते हुए देखा है, FFTV स्पोर्ट्स के साथ, आई थिंक NFP स्पोर्ट्स, व्हाट वाज द नेम, अभी आपको सही से पता होगा, लेकिन खैर आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑक्सी के ऐश पहले किस टीम में थे, ये थे स्काई में वहाँ पर काफ़ी हमने डिपिक्शन देखी है इनके गेम प्ले की। हंटर यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सैफ मौजूद है, फेम्स ये थोड़े बहुत नए नाम हैं लेकिन ऑब्वियसली फेमिलियर हो जाएंगे हम इनसे। अभी के लिए लीड पहली बार बबलू के खाते में जाएगी, एक प्लेयर डाउन, दूसरे डाउन, तीसरे भी फिनिश, ग्रेनेड्स भी अच्छा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बबलू यहाँ लीड लेकर गई अब, लेकिन बबलू देखते हैं कंटिन्यू कर पाएगी इस लीड को। मेरे ख्याल से मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन ने फ्रॉम द स्टार्ट कोशिश की है कि साथ ही साथ खेलें दोनों टीम, अगर वो ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन वो कोशिश करते हैं कि हम रिटालिएट करें। अभी भी आप देखें IQ का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 17v20 पर हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स ऑक्सीजन को और चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद ये कर पाएंगे, लेकिन नो वन नोज ऑब्वियसली, लेकिन ये एंगल काफ़ी अच्छा साबित हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉइंट कन्फर्म नहीं कर पाए, अभी भी 3 ही पॉइंट्स इनको दरकार रहेंगे। ऑक्सी के सैफ मौजूद हैं बिल्कुल सामने, अभी तक के लिए क्रॉसेज में कोई प्लेयर आया नहीं है इनके 1-4-1x बबलू का, 1-4-1 के प्लेयर बिल्कुल सामने हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स की लीड मजीद बढ़ाते हुए टीम 1-4-1x के बबलू लड़ती हुई
टीम ऑक्सीजन अपना 18वां पॉइंट इस मैच में कंफर्म कर लेती है। डेथ मैच है और मेरे ख्याल से 19वां भी आ रहा है, 19वां भी आएगा, 20वां आ जाएगा, एक पॉइंट की लीड पर है। और साथ ही साथ आगाज से ये दोनों टीमें खेलती देखने को मिल रही है, काफी अच्छा कॉम्पिटिशन हमें 30 पॉइंट्स ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। 5 मिनट है बाकी, कर रहे हैं 20 मजीद पॉइंट्स ऑक्सीजन को अपने लिए कंफर्म। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऑक्सी के हंटर की तरफ से सरप्राइज किया जाता है, एक किल पॉइंट को लेकर जाएंगे। लीड मजीद करीब आ जाएगी, 1v1 लिया जाता है, एक और किल कंफर्म किया जाता है, लीड मजीद करीब करने की कोशिश, लेकिन बैक साइड पे सैफ को फिनिश किया जा सका है। प्लेयर्स बड़ी कोशिश करके इस लीड को बराबर करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट 1v1 के प्लेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं। ऑक्सी की तरफ से रिटेलिएशन ट्रेड नॉक्स ट्रेड फिनिश दिखाई जाते हैं, और जाते जाते जो फेंका गया था ग्रेनेड ड्रॉप की तरफ से, वो हंटर को फिनिश कर देगा। और अभी 27-24 का ये सिलसिला है जहाँ पर बबलू के पास लीड मौजूद है। बबलू के प्लेयर्स वो इस वक्त इस क्लोज इनकाउंटर गेम को जो है वो प्रॉपर लीड करते हुए, प्रॉपर डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 पॉइंट्स की लीड बन सकी आधी, डिफिकल्ट हो सकता है इस लीड को तोड़ना, लेकिन सैफ की तरफ कुछ कह जाएगा। एक पिक्सेलेटेड पीक दी जाती है बड़ी क्विक पीक के साथ, यहाँ पर क्विक शिफ्टिंग की जाती है। मैं कहूँगा जो बाइकर्स हैं वो जानते होंगे व्हाट इज क्विक शिफ्टिंग, और क्विक शिफ्टिंग के साथ उनकी तरफ से यहाँ पर फिनिश दिया जाता है। फॉल बैक करेंगे यहाँ पर भी, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी 6 पॉइंट्स मसीह दूर जा सकी है। बबलू, बबलू को रोकना अब यहाँ बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। और अब वो जो लीड है ओ, चुकी है बबलू, लेकिन बबलू वो बहुत अब संभल कर खेल रहे हैं, उनको पता है कि मैच हमारे खाते में दर्ज होने ही वाला है। अब यहाँ से थ्रो नहीं करना, लेकिन अगर यहाँ से कैचअप कर ले ऑक्सीजन, जिन्होंने काफी अच्छा खेला है थ्रू आउट दिस मैच, काफी करीब करीब रहे हैं बबलू के, वो अब यहां से अगर वो निकाल लेते हैं पॉइंट्स तो फिर मैं हैरान जरूर रह जाऊंगा। सिर्फ 4 पॉइंट्स और दरकार है ऑक्सीजन के प्लेयर्स को। सैफ कोशिश करते हुए, हाथ में उनके क्रोजा है मौजूद, क्रॉसेज नहीं बिठा पाएंगे, डैमेज लेंगे जरूर सामने से। 1v1 के प्लेयर्स आते हुए साथ ही साथ रशिंग करते हुए सैफ बाहर हो जाएंगे। 4 पर है बात, अभी बोल बाला करना बाकी है। टीम ऑक्सीजन के प्लेयर कर पाएंगे क्या नॉक, कर पाएंगे क्या इस मैच से एलिमिनेट, नॉक नहीं बल्कि सामने से कंफर्म किया जाएगा। 4 ही पॉइंट्स हैं अभी भी, ऑक्सीजन कर सकती है, लेकिन उसके लिए अपने एक एक प्लेयर को उनको देना पड़ेगा कवर। 4 पॉइंट्स की सिर्फ बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, उनको एस करना पड़ेगा सामने की टीम को। 3 पॉइंट्स पर बात आएगी, अब आ गई 3 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन अभी के लिए ऑक्सीजन के प्लेयर्स फेम्स वो देख रहे हैं थोड़ा सा पैनिक जरूर हुए हैं। ग्रेनेड फेंका जाता है उनकी तरफ से, कंफर्म किया जाएगा, स्टन हो जाते हैं वापस से, 3 पॉइंट्स दरकार। सामने आते हैं ऑक्सी के प्लेयर, 2 पॉइंट्स पर लेकर आ चुके हैं टीम ऑक्सीजन, क्या यहां से जीतनी हमें देखने को मिलेगी अलादीन। दे आर सो क्लोज। जी, लेकिन यहां से ऑक्सीजन के प्लेयर कोशिश करते हुए, और 5 पॉइंट्स पर 35 पॉइंट्स पर आती हुई, सिर्फ एक ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। ऑक्सीजन के प्लेयर ग्रेनेड फेंकते हैं लेकिन पकड़े जाएंगे, 37 पॉइंट्स, एक पॉइंट और, ऑक्सीजन काफी करीब है, बबलू भी जीत के काफी करीब है। सामने आएंगे दोनों ही प्लेयर्स, बबलू के ड्रॉप ही देख रहे हैं, ग्रेनेड से बचेंगे, पीछे जाएंगे, फॉल बैक किया जाएगा उनकी तरफ से। सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, एक चाहिए ऑक्सी को टाई करने के लिए, कर भी लेंगे। ऑक्सीजन 2 पॉइंट्स निकालती हुई इस पिछले 1 सेकंड के अंदर अंदर, लेकर आगे बढ़ेंगे बबलू के प्लेयर्स। अब थोड़ा ध्यान से खेल रहे हैं, ऑक्सीजन के जज्बात और उनका बॉडी लैंग्वेज काफी बेहतर मुझे देखने को मिल रहा है। ऐश है बिल्कुल सामने, क्या कोई प्लेयर आएंगे, 39, सिर्फ 1 पॉइंट और इनको चाहिए, और ये टीडीएम्स का प्राइस पूल भी है, ब्रैकेट से क्वालिफाई कर टीमें आगे जाएंगी, जिस जो हारा वो यहां से इस टीडीएम के ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा इस कॉम्पिटिशन से टीडीएम के। लेकिन अभी के लिए बबलू एक अच्छी फॉर्मेशन बिठाए हुए है, सिर्फ 1 पॉइंट दरकार है ऑक्सी को पोर्टल। बिल्कुल, और ऑक्सीजन ये पॉइंट यकीनी तौर पर लेना चाहेगी, और फाइनली वो पॉइंट ले लिया जाता है।